नमस्कार दोस्तों, बजट से रिलेटेड अपनी डिस्कशन की सीरीज में मैं अपने दूसरे पार्ट में आपके साथ टीडीएस से रिलेटेड जो अमेंडमेंट सेक्शन 194A में आया है उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाकर के 40,000 रुपीज की जा रही है, तो इसका क्या तात्पर्य है सर? अब तक सर जो लिमिट थी सेक्शन 194A में वो 10,000 रुपए की थी कि अगर कोई बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस या कोई कोऑपरेटिव बैंक मेरे को साल के 10,000 रुपीज तक का ब्याज देता था तो टीडीएस नहीं काटता था। अब सरकार ने इस लिमिट को 10,000 रुपीज से बढ़ाकर के 40,000 रुपीज कर दिया है। एक और बात, ये जो 10,000 की लिमिट थी ये केवल बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स के मामले में थी, बाकी सारे केसेस में 5,000 रुपए से ऊपर के इंटरेस्ट के पेमेंट पर टीडीएस कटता था। तो आज भी सर वो लिमिट तो 5,000 की है, लेकिन यदि आपने बैंक में डिपॉजिट करी है, कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट करी है या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करी है और आपको साल का 40,000 रुपए तक का ब्याज अगर वित्त वर्ष 19-20 से मिलेगा तो आपके इस पेमेंट पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, और यदि 40,000 से ऊपर है तो पूरे पेमेंट पर आपको 10% टीडीएस काटा जाएगा। अब इस अमेंडमेंट से सर कुछ कंफ्यूजन सीनियर सिटीजन को भी हुआ कि अरे भैया हमारे तो 50,000 तक टीडीएस नहीं कटना ऐसा पहले से बोला हुआ है। तो सर पिछले बजट यानी बजट 2018 से ही ये व्यवस्था कर दी गई थी कि सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक के पेमेंट पर टीडीएस नहीं काटेंगे। और मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि आपको साथ साथ ये भी ध्यान है कि दो सेक्शन चल रहे हैं सर अभी, 80TTA और 80TTB। 80TTA सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के 10,000 रुपए तक का डिडक्शन किसी भी एसएससी को देखता है दे देता है, चाहे वो इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन हो या ना हो। लेकिन 80TTB आया, उसने ये कहा कि सीनियर सिटीजन को डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट आता है जिसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी आएगा और एफडीज का इंटरेस्ट भी आएगा, उनको 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो सर मैं सीनियर सिटीजन की क्लैरिटी के लिए एक बार स्पष्ट कह देता हूं, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 रुपए तक की एफडीज के इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 50,000 रुपए तक का आपका इंटरेस्ट इनकम चाहे सेविंग बैंक से आए चाहे एफडीज के इंटरेस्ट के फॉर्मेट में आए, आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन बाकी के एसएससी सर जिनको 40,000 रुपए तक का अगर पेमेंट किया जाएगा बैंक द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, तो उनसे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन सर टीडीएस नहीं काटने का मतलब ये नहीं है कि वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, उनको अपने आप उस इनकम को शामिल करना पड़ेगा अपनी टोटल इनकम में और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी। यानी सरकार ने कोई एग्जम्पशन नहीं दी 40,000 रुपए की, केवल 40,000 रुपए तक के अमाउंट को इन्होंने टीडीएस से फ्री कर दिया है। तो सर ये टीडीएस से रिलेटेड सेक्शन 194A का अमेंडमेंट है। एक और अमेंडमेंट सर सेक्शन 194I में रेंट के संदर्भ में सरकार करने जा रही है, और सरकार ने यह प्रपोज किया है कि अभी तक 1,80,000 रुपए तक के साल के रेंटल पेमेंट पर टीडीएस नहीं कटता था, अब उस लिमिट को थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाकर के 2,40,000 रुपए करने वाले हैं। तो ठीक है, उसके हिसाब से जो कॉन्सिक्वेंटली 2,40 तक के रेंटल पेमेंट पर टीडीएस नहीं होगा उससे ऊपर के पेमेंट पर टीडीएस काटा जाएगा। तो सर ये मेरा सेकंड पार्ट से रिलेटेड डिस्कशन था, यदि आपकी इस पर कोई क्वेरी होगी तो मैं अपनी ओर से उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।